चलो 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 चलो, चलो गोइंग लाइफ हो गया हाय हेलो दोस्तों बस सब बस सब बस सब कैसे बस सारे लोग अरे यार उज्जू अरे क्या हो रहा है यार ये अरे आया रे आया रे आया रे आया अरे आया रे आया ये बजा कहाँ से था थर्ड थर्ण को तो मैं ऐसे उड़ाऊंगा कि कैसे उड़ाऊंगा रुक कभी अयो ये क्या किया हमने या करू मैं क्या सुकू सुकू यस हम है ना यस छोटा किया जाए स्क्रीन को आज हमारी टेक टीम जो है वो उज्जवल राज की <laughs> उज्वल इज आवर टेक टीम टुडे सारे लोग सो चुके हैं यस। yes. ओके। uh, okay. है ना? So, what's up? सबसे पहली बात जिनका कल सुबह एग्जाम है वो लोग फटाफट सुन लो मैं बस पंद्रह बीस मिनट में कुछ बातें बता रहा हूं और जो आपका डर है वो खत्म करने के लिए मैं आया हूँ दोस्तों टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया कोशिश करेंगे कि मंडे को ट्वेंटी सेवन्थ के लिए एनवायरमेंटल पॉलिमोर बायोमोलिकल्स और उसके साथ में इसका सेशन एक और ले ले एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से ट्वेंटी सेवन्थ के लिए ट्राई करेंगे अभी यार चूंकि आपसे बातचीत हो रही थी कल से हो रही थी तो आई वॉज लाइक यार किसी तरह से सेशन करना ही करना है तो मेरी क्लास खत्म हुई उसके बाद मैंने खाया पिया फटाफट फटाफट और एक्चुअली डेफिनेट भी नहीं था कि स्लॉट मिल पाएगा या करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट फिर मैंने आपके मैसेजेस देखे जो आपसे मैंने अपने यूट्यूब पर पूछा था तो मैंने देखा कि के जनता जो वो तैयार है, है ना अच्छी सी नींद में जाते वाते देख लेना क्योंकि क्या कहते हो बदमाशो मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा नहीं अगर प्यार नहीं मिला तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं साढ़े चार सौ वॉचिंग है और अभी लाइक्स जो है दो सौ है जिसके खातिर आते हैं उसी का डब्बा गोल कर दो चल फिर शुरू कर रहे हैं देखो आ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा साथ साथ कुछ कनेक्शन बताऊंगा और फटाफट फटाफट आपको रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे ठीक है सारे लोग तैयार है सबसे पहले एन ओपन किया हुआ है आप भी ओपन कर लो या यहीं पर फोकस करो ये शुरू में ना आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बताएंगे साउंड क्लियर है ना बिल, बिल्कुल साउंड क्लियर है फोर्ड करके पांच हाँ, सौ प्लस और साढ़े तीन सौ के आसपास लाइक्स है जिस चीज के लिए आते हैं अगर वही नहीं दोगे ना तब तो रात भर रोंगा मैं हाई लग जाएगी तुमको याद रखो <laughs> चलो ना, लाइटर नोट दिल पर नहीं लगाना है आप तो अगर डिसलाइक भी मारोगे फिर भी हम मजबूती से खड़े रहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले सही मानते गलत मानते उसे क्या फर्क हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं और हम आपकी दुआएं पाकर आप अगर नहीं भी देना चाहोगे ना दुआ और प्यार हम ले लेंगे ठीक है तो सबसे पहले यार क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन मतलब के इफेक्ट में आप देखोगे ये सब बातें लिखी हुई हैं कि अगर अगर ड्रग के हुईलॉजिकल बहुत टफ इंग्लिश है यार फार्माकोलॉजिकल मेरे से बोला नहीं जाता है। ये जो सेक्शन है ना ये कोई काम के नहीं है कोई काम के नहीं है ये कुछ नहीं पूछने वाले देखो सीधे सीधे चलते हैं पर कुछ बताया हुआ था कि किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? कोई काम का नहीं है पढ़ पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है सा, सारी बातें exactly कुछ भी डिफरेंट नहीं है कुछ भी डिफरेंट नहीं है बस यहां से काम की बात शुरू होती है जहां से एंटासिड सेक्शन है दिस इज सेक्शन जहां से बातचीत शुरू होगी शायद आपको दिख रहा होगा देखा यहां से काम की बात शुरू होगी तो अब आपको कैसे लिंक बनाना है फटाफट सुनते जाना मैं अभी फटाफट सुनते जाना उसके बाद मैंने यहां पर स्लाइड ओपन की हुई है मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर आपसे पूछूंगा कि कौन सी कैटेगरी को यह बिलोंग करता है और बार बार पूछ पूछ करके आपको याद करवा दूंगा बस इतना ही करना है कुछ नहीं करना है. ठीक है कमिंग बैक एंटासिड के बारे में मैं दो तीन लाइनें यहां से पढ़ूंगा आपको समझाने के लिए तो एनर्जी हाई रखो एब्सॉर्ब करना माइंड से अपने आप को फ्रेश रखो लिखा गया है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमक जो बारात में जाकर के जो लोग रसगुल्ले पूरी कचौरी खा लेते हैं बाल्टी में भर लेते हैं तो पेट में पता है ना एसिडिटी हो जाती है अननेसेसरी खाने से बात की जा रही है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमक काउज इरिटेशन एंड पेन एंड इन सिवियर केसेज अल्सरप्ड इन दसिडिटी खत्म करने के लिए कौन होंगे ये क्या है? जिसको के भी बोलते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रग चैप्टर में क्या आती है आपको याद नहीं हो पाती चीजें तो मैं कुछ कहानी सुना रहा हूं जिसके बेसिस पर मैंने याद करवाया हुआ हमेशा बच्चों को उन कहानी को सुन लीजिए या तो वही कहानी याद कर जाइए या फिर अपनी कोई कहानी बना लीजिएगा बट देखिए है जिसका शुरू में नाम लिया गया है दो कैटेगरी यहां पर बताई गई है टेगामेट और जो जेंटेक है किसी ने जेंटेक खाया है कभी पेट दर्द हुआ हो थोड़ा लूज मोशन टाइप का कुछ हुआ हो किसी ने जेंटेक खाया किस किस ने जेंटेक खाया बताओ तो नाम बदल करके मार्केट में आता है मैंने जो एक बार खाया एक ही बार खाया तो जेंटेको बार बार नहीं खाया जब मैंने खाया था उसका था Z -I -N -T -E -K, जो टैबलेट मार्केट में मिल रही थी यहां पर जो नाम लिखा हुआ है वो Z -A -N -T -A -C लिखा हुआ है करेक्ट? तो यार अगर आपने दवाई खाई है तो आपको ऐसे ही पता है कि अच्छा पेट दर्द वगैरह के लिए यूज होता है एं, एंटासिड के रूप में ने लिखा हुआ है ओके, उसका में दूसरा नाम भी बताया हुआ अब ये याद कैसे रहेगा ये इशू होता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा ये जो आपने आपनेटीन और टेगामेट ये देखा और साथ में यहां पर रैनिटीडीन और जेंटेक देखा ये सब एंटासिड्स है ये सेक्शन चल रहा है हिस्टामाइन वाला हिस्टामाइन है क्या जरा उसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ करके यहां से बता दूं और सारा काम एनसीआर टी सही करना है हिस्टामाइन के बारे में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर बताया हुआ बुक ने और मैं अपनी कोई लाइन नहीं बोलूंगा मैं चुपचाप बुक दिखा रहा हूं क्योंकि सब कुछ इसी से होने वाला है फेब और मार्च में इससे क्वेश्चन आए थे जिसमें कि इंक्लूडेड था आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो रिपीट हुआ था दो बार तो पहले हिस्टामाइन वाली लाइन उठा ली जाए रे भैया हिस्टामाइन वाली लाइन कहां पर है हिस्टामाइन वाली लाइन नीचे हिस्टामाइन 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 आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई देखना दोस्तों हाँ, पढ़िए लिखा हुआ है ना अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर में ना पहले बताया गया कि पुराने जमाने में एसिडिटी के लिए कौन यूज होते थे एसिडिटी को खत्म करने के लिए देखिए अंटिल 1970 ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड्स सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बायकारियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता था, था एंटासिड के लिए सत्तर के दशक तक यानी कि जब तक शोले मूवी आई थी है ना और जब अब आपकी ये सब मूवी आ गई मतलब जो भी है अब एवेंजर का टाइम आ <laughs> मतलब नए जमाने में अब जो है मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू विच केमिकल हिस्टाइन स्टिमुलेट्स जिम्मेदार है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह के सिक्रेशन के लिए तब जाकर के एक्चुअली ब्रेक थ्रू मिला रिवॉल्यूशन आया तब जाकर के एंटासिड अच्छे तगड़े एंटासिड बनने लगे नहीं तो उससे पहले उन्हीं से काम चलाना पड़ता था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम बायकार्बोनेट से ठीक है अब जो सीमेंटडीन और टेगा और जो रेनेटीडाइन और जेंटेक है ये याद होगा आपको नहीं याद होगा सुनिए इसका निमोनिक सुनिए सिमेटेड जो है वहां से हम निकालेंगे सीमा से सीमा टेगामेट से निकालेंगे तगड़ा। सीमा तगड़ा हस्ती है अब आप भी हसीएगा साथ में तो हंस लीजिए तो हंस लीजिए ठीक है बट टेगामेट टेगा सीमा तगड़ा हस्ती है और रानी दीदी जानती है कि क्यों हंसती है रानी दीदी देखिए दी यहां से निकालिएगा और से। सुन रहे हैं आप, नहीं सुन रहे हैं फिर फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बोलो अगर सुन पाए नहीं सुन पाए अब सुनते रहिए लगातार दस पंद्रह मिनट तक बताइए जल्दी से सीमा दीदी दी तगड़ा हस्ती है और टेगामेट हाँ मुझे दिख गया इसी का इंतजार था कि अभी आप हंसोगे और आपको याद हो जाना चाहिए अब

कि सर दर्द की दवाई खाते हैं तो सिर्फ सर दर्द ही क्यों ठीक होता है पेट दर्द क्यों नहीं ठीक हो जाता है क्योंकि ये रिसेप्टर का कमाल है जो सर दर्द की दवाई है सैरिडॉन या कौन कौन डॉन आती है जो भी डॉन आते हैं तो सैरिडॉन वगैरह जो भी है ना वो पार्टिकुलर रिसेप्टर के लिए बने हुए हैं उसमें उसका कॉम्पोजिशन जो पार्टिकुलर रिसेप्टर के लिए होता है तो रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली ही अटैक होता है ड्रग्स का ऐसा नहीं है कि सर दर्द की दवाई दी और पेट दर्द ठीक कर दिया पेट दर्द की दवाई दी तो सिर दर्द ठीक कर दिया क्योंकि रिसेप्टर अलग अलग है तो सीमा दीदी तगड़ा हस्ती है ये कनेक्शन आपका बन गया किसके लिए भैया हिस्टामाइन को फोड़ने वाले तोड़ने वाले जो ड्रग है उसमें सीमेटीन है जिसका ब्रैकेट में नाम था टेगामेट और रानी दीदी सब जानती है एक और है रानी जिसका के अल्टरनेट नाम है जेंटेक ठीक है स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए जो स्ट्रक्चर है देखिए हिस्टामाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें पाइरोल की रिंग जो है वो उसमें एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो पायरोल की रिंग में एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है ओवरऑल नाइट्रोजन तीन है मैं क्यों दिखा दे रहा हूं क्योंकि भैया इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रक्चर में कितने आइटम होते हैं या स्ट्रक्चर दिखता कैसा है तो आपको रिलेट कर करके कर याद रखना है देखो नो no डाउट अभी अगर हम चाहेंगे कि ड्रग्स अभी के अभी याद कर ले नहीं होगा अगर मैं आधे घंटे पैंतालीस मिनट में भी आपको बातें बताऊंगा ना तो इसका कुछ फ्रैक्शन याद रहेगा नो डाउट के रिवीजन करने पर ही चीजें याद रहेंगी और कभी रटना नहीं है अब देखो लिंक्स बनाओ तरीके से और ना रिवाइज करने की फ्रीक्वेंसी रखो तो बहुत अच्छे से माइंड में बातें रह जाएंगी एक दिन का लेकिन ये खेल नहीं होता है हर दिन पांच मिनट अगर इसको रिवाइज करेंगे ना तो अपने आप ये हमारा सबसे विस्फोटक बन जाएगा और फोर्थ अटेम्प्ट के लिए कोई बात नहीं फोर्थ अटेम्प्ट के लिए मैं खुद जो है ट्राई करूंगा कि यार आपको बार बार हर दिन क्लास में आकर के बोलते रहूंगा कि आज मिनट रिवाइज कर लेना ड्रग्स को पांच मिनट रिवाइज कर लेना पॉलीमर को ये मिनट दे करके इन को ना बहुत अच्छा कर सकते हो रहा अभी चलते वापस, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है और कैसे अलग है, ही होता है, में। है ना? जिसका दूसरा नाम कैटेगा रानी दीदी? रानी दीदी एकदम रानी जैसे एकदम बहुत लंबा इनका सिंहासन है मतलब बहुत लंबा मॉलिक्यूल है इसमें जो ग्वानिडीन आता है

इनके अंदर भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है जैसा हिस्टामाइन में होता है लेकिन एक्स्ट्रा क्या है एक जगह होगा और एक जगह का डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन हटा करके कार्बन लगा हुआ होगा इतना काफी है कोई बहुत ज्यादा ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती स्ट्रक्चर को।, को पहचानना मुश्किल नहीं होता है यह पूरा चैप्टर सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है कि तुम जो ड्रग्स याद करोगे वो ड्रग्स के नाम गड़बड़ा जाओगे तुम और स्ट्रक्चर से तालमेल नहीं होगा तो सिर्फ एक काम करना डी कोड करना है कि अच्छा अगर सामने जो मॉलिक्यूल रखे हैं, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है अगर उसमें ओएच 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 है वह एंटीसेप्टिक्स होते हैं और अगर ओ एच नहीं है तो फिर आखिर क्या दिखाया अगर ग्वानिडीन स्ट्रक्चर है लीजिए वो वह एंटेसिड्स है।, है ना बाकी अपने जो निमोनिक्स होंगे वो हेल्प करेंगे लेकिन लिंक्स बहुत हेल्प करेंगे जो स्ट्रक्चर है वह भी बहुत हेल्प करेगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे आप जैसे ही आगे बढ़ोगे

सीधे को ब्लॉक करने वाले ऊपर जो थे वो जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है से उसको कम करने वाले थे दो स्पेशीज है आप देख रहे हो ब्रोमो ब्रोम फेनि मतलब थोड़ा दवाइयों के नाम है तो बायोलॉजी में कैसे होता है कुछ भी नाम हो जाता चाइनीज टाइप का तो वैसा कुछ अगर नाम है तो उसे घबराना नहीं इसको भी हमने डिकोड किया यहाँ पर क्यों फेवरेट है जरा ध्यान से देखना ब्रो एक ही जगह ब्रो ब्रो आने वाला है भाई कालिया सर ब्रो, एक ही जगह आने वाला है लेकिन यहां पर भाई आएगा वहां पर दोस्त भी आएगा तो ब्रो देख रहे हैं। और ब्रो के साथ जो है ब्रैकेट में कौन है डी लगे हुए डी से जो नाम दिखाई देंगे ना वो यहीं पर दिखाई देने वाला है डिमिटैप और जो साथ में डिमिटेन मुझे भी पढ़ने नहीं आता आपको नहीं आता मैं भी भारतीय हूं मैं भी इंडियन हूं मुझे भी नहीं आता पढ़ने के लिए कि क्या लिखा हुआ है और मैं मुझे टेंशन नहीं होती कभी भी कैच हो जाता है बहुत आसानी से लिंक्स बार 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 लिंक को रिपीट करने से ठीक है जरा सोचो मैं अगर आपको इधर लेकर के गया अरे बेजती हाँ अगर मैं यहां लेकर के गया और बोला कि भाई जरा देखो तो ये कौन से क्लासिफिकेशन के ड्रग्स है जाओ ना यार हाँ ये कौन से क्लास के ड्रग्स है पहचान में नहीं आ जाएगा कौन से क्लास के ड्रग्स है जरा पहचानो तो अब भी देखा था एंटासीडस है। एंटासीडस है? यस। है। है ना? इसी तरह से जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये एंटी और एंटीहिस्टामाइन में, में मैंने क्या बोला था कि भाई और दोस्त याद रखो भाई और दोस्त याद रखने से क्या होगा भाई और दोस्त इसमें भाई का ब्रो अगर दिख गया ब्रो नाम से यही आने वाला है एंटी और ये जो दिख रहा है सेल्डेन और टर्फेनाडीन सेल्डेन का एस टर्फेनाडीन का टी देखो कोई जादुई शक्ति नहीं है याद रखने की सिर्फ और सिर्फ लिंकेज है आपको याद रखना होगा कि हर जगह ड्रग के ना बड़े यूनिक नाम है बड़े यूनिक स्ट्रक्चर है और यही इनकी डिकोडिंग यही इनको याद रखने का राज बन जाएगा यही इनको याद रखने की चाबी बन जाएगी तो हमें इन्हीं पर फोकस करना है नाम देखना है स्ट्रक्चर देखना है देखना है कि किसी कहानी से उसको जोड़ सकते हैं किसी निमोनिक से उसको जोड़ सकते हैं आप देखिएगा यहां पर ये यह जो जो भाई वाला एंटीहिस्टामाइन है यहां पर दो रिंग्स है एरोमेटिक लेकिन दोस्त का जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन एरोमेटिक रिंग है दिख रहा है तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एंटीहिस्टामाइन है जहां पर तीन रिंग्स होती है एरोमेटिक दिखाई दे रहा है देखिए तो ब्रोमो वाले में एक ब्रोमीन आएगा दो एरोमेटिक रिंग्स होंगी लेकिन दोस्त वाला दोस्त वाला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर एस और टी आ रहा है दोस्त का एस और टी यहां आ रहा है और नाम नहीं याद रहने वाला अच्छे से लेकिन पता है कैसे याद होगा आपको नाम का जो टूटा फूटा पार्ट याद आएगा नाम का पूरा नाम नहीं याद करना है पूरा नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है अब बस तरीके देखते जाना मैं आपसे बार 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 जा करके ना स्लाइड्स पर पूछूंगा कि तो भैया ये कौन सी फैमिली है जरा बताओ तो जल्दी से जैसे अभी आपसे याद दिलवाया था कि यार देखो ये सीमा दीदी वाला है ना ये रानी दीदी वाला ये पता है क्या एंटासीड से उसके बाद उसके बाद ये भाई वाला आ गया जैसे ही आपने नाम देखा अरे हाँ यार ब्रो वाला तो हमने एक बनाया था और सर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था गला खराब कर लिया था बोल बोल करके

सेशन में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं मतलब लोगों को लगता है कि छोड़ के जाए तो अच्छा लेकिन तो जबरदस्ती टोक -टोक तो अच्छा, और जो दोस्त वाले में यानी कि लास्ट में एस सेल्डन, एस सेल्डन था। और टी से क्या था टर टर फेनाडीन टर फेनाडीन नहीं याद हुआ कोई बात नहीं जो सेल्डन था ना उसका टी से भी कोई नाम था कोई कोई टी से भी नाम था ऐसा जुगाड़ कर लिया है बाकी बढ़िया आगे और बैक वापस के पूछूंगा, सब जाएगा ट्रेंक्यूलाइजर पर आइए ट्रैंक्यूलाइजर जो है बड़े ट्रेंक्यूलाइजर पूछ चुके हैं बहुत बार तो ट्रेंकुलाइजर पर आइए ट्रेंक्यूलाइजर्स में ना जो स्टार्टिंग का सेक्शन आप देख रहे हैं ये दोनों जो देख रहे हैं

अब तो ट्रैंकुलाइजर मतलब स्ट्रेस कम करने वाले और स्ट्रेस कम करने वाले जो ड्रग्स हैं उसमें ना हिप्नोटिक भी होते हैं माइल्ड भी होते हैं पावरफुल भी होते हैं उन्हीं की कैटेगरी को पहचानना है तो ये दोनों जो आपको दिखाए जा रहे हैं ना ये एंटी डिप्रेशन है ठीक है एक ऐसा भी नीचे हम पढ़ने वाले हैं जो एंटी डिप्रेशन तो है ये हाइपरटेंशन भी होता है उसमें हाइपरटेंशन को भी खत्म करता है और ऐसे भी देखने वाले हैं जो माइल्ड बिल्कुल हल्का फुल्का जो टेंशन होता है जैसे कि एग्जाम आ गया हल्का फुल्का टेंशन मतलब कि वो यार पढ़े तो बहुत थे लेकिन चिली मिस्टेक बहुत कर लिया तो थोड़ा माइल्ड टेंशन हो गया तो उनसे उनको रिलीज करा देते हैं बट दीज आर एंटी डिप्रेशन ये माइल्ड टेंशन के लिए नहीं है एंटी डिप्रेशन डिप्रेशन में कोई चला गया तो तो इसको डिकोड कैसे करते हैं देखो पहले तो यहां पर आप देख रहे हो गया हाइड्राजीन वाला पार्ट दिख रहा है किसी को हाइड्राजीन वाला पार्ट यहां पर भी हाइड्राजीन वाला पार्ट अगर हाइड्राजिन यानी वाला कोई पार्ट आ गया मतलब वा एंटी वाला पार्ट को जानते हो ना वन डायरेक्शन का वो जो बंदा गाना गाता है बहुत अच्छा गाना गाता है पता ही होगा सबको अरे डस्क टिल डाउन नहीं सुना है तो सुन लेना तुम लोग तो अंग्रेज हो तुम्हें तो पहले से होगा तो जिद्दी है जैन दिल नहीं देगा नारदिल नारदिल दिल नहीं देने वाला जिद्दी है जैन दिल नहीं देने वाला ये दिल नहीं देने वाला साइड से मैंने इसलिए चिपकाया मसाला क्योंकि थोड़ा आपको ध्यान में रहे कि अच्छा भैया नारदिल नाम था एक एंटी डिप्रेशन का ये साइड वाले जो नाम है बड़े गंदे होते हैं ज्यादातर यही पूछे जाते हैं यही तंग करने वाले होते हैं वैसे आपको इतना तो समझा दिया मैंने कि देखो यार नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्ट्रक्चर में होता है एरोमैटिक होता है ठीक है आ, आगे देखना ये एंटी डिप्रेसेंट्स चल रहे हैं अब इस इन दोनों को देखना इन दोनों ने इन तीनों को देखो इन तीनों को जब देखोगे तो यहां पर क्लोरोडायएज़िपॉक्साइड है मेप्रोबामेट है इक्वानिल है इसमें से इक्वानिल जो इक्वानिल है वो एंटी डिप्रेशन भी और हाइपर टेंशन के लिए भी यूज होता है क्या याद रहेगा मैं भी याद करा दूंगा आप दस पंद्रह मिनट बस साथ में रहो यहां पर हमारा क्या है निमोनिक हमारा निमोनिक क्या है और हर जगह निमोनिक अलग अलग है कहीं मैच नहीं करेगा देख लेना हमारा निमोनिक है भैया अभी थोड़ी देर पहले किसकी किसकी बात हुई थी भाई और दोस्त की बात की थी अच्छा भाई और दोस्त वाला कौन से कोड में आता है जरा बताना तो कौन सा कैटेगरी था कोई लिखेगा जरा पूछताछ हो जाए जरा कमेंट सेक्शन में लिखना तो भाई और दोस्त वाले में कुछ याद आ रहा है ब्रोमो याद आया नाम ब्रोमो था फिनाइल था, था याद आया मेरे साथ साथ याद करते रहो ब्रोमो याद आया उसके ब्रैकेट में था डिम टैप याद आया डी से भाई दोस्त दोस्त का एस और टी साइड हो जाएंगे याद आ रहा है एस से क्या था सेल्डेन याद आया ये किस कैटेगरी में थे ये थे एंटीहिस्टामाइंस उससे ऊपर हमने पढ़ा था एंटासिड्स एंटासिड्स का कोड क्या था सीमा दीदी तगड़ा हस्ती है सिमेटिडिन टेगामेट ये हिस्टामाइन के अपोज अपोजिट काम करते हैं और रानी दीदी सब जानती है रेनिटिडिन जेंटेक याद हुआ स्ट्रक्चर कुछ आ रहा है माइंड में कुछ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं मैं स्ट्रक्चर दिखा दू स्ट्रक्चर से आपको ऊपर दिखाई देते हैं जरा देखिए तो इसे देखिए वापस मैंने वहीं पर बताया था कि जब आप और सीमेटेडीन करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा और में से एक कार्बन एक नाइट्रोजन हटा दोगे तो वो बन जाएगा रिकॉल करना है कि अच्छा ये था इसको बार बार इस तरह से देखोगे जैसे मैं करवा रहा हूं ना बस वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा इसी को पांच छह बार करना पड़ता है रिपीट खैर तो यहां पर क्या याद रखो क्लोरो केमिस्ट्री

तो मेरे निमोनिक को, हाँ, को अगर बुरा बोला दोस्ती खत्म। केमिस्ट्री और मैथ के इक्वेशन टेंशन फ्री करते हैं ऐसा क्यों बोला भैया क्योंकि ये माइल्ड है ये दोनों माइल्ड है, है क्लोरो डाइजिपोक्साइड और मेप्राबोमेट ये माइल्ड है हल्की फुल्की टेंशन वगैरह को रिलीज करते हैं इक्वानिल भैया एंटी डिप्रेशन है और साथ साथ हाइपर टेंशन को भी खत्म करते हैं गुड यस yes. आइए वापस जरा पहचानिए इसका नाम बोलिए ये तो बहुत बार रिपीट करा है मैंने क्योंकि मुझे लगता है कि यही आने वाला है आपको सच्चाई बताओ मुझे बार बार लग रहा है यही आने वाला है कल आपको ये देखने को मिल सकता है फर्स्ट शिफ्ट में नहीं मिला तो सेकंड शिफ्ट में बट कोई गारंटी नहीं यार बट मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है बार बार चलो मुझको बताओ ये कौन सा कौन सी कैटेगरी है एंटासिड एंटासिड कितने लोगों को याद आया कितने लोगों को याद आया नेक्स्ट ये कौन सी कैटेगरी है भाई दोस्त और भाई दोस्त सेल्डेन में डिफरेंस बताया था कि तीन रिंग्स होंगी और यहां पर दो रिंग होंगी भाई के पास दो एरोमेटिक रिंग है दोस्त के पास जो वो तीन एरोमेटिक रिंग है, है पार्ट है ये कौन सा ये 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 एंटी है एंटी हिस्टामाइन एंटी अगला ये कौन सा बताओ ये कौन सी कैटेगरी में जिद्दी है जैन दिल नहीं देगा जिद्दी है जैन दिल नहीं देगा तो उससे डिप्रेशन बढ़ जाएगा जिद्दी है दिल 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 नहीं देगा। है जायन, दिल नहीं देगा देगा जिद्दी डिप्रेशन बढ़ जाएगा और अगर डिप्रेशन बढ़ गया तो एंटी डिप्रेशन चाहिए होगा तो ये एंटी डिप्रेशन है जिद्दी है जैन दिल नहीं देगा और भैया ये इस वजह से कि दिल नहीं देने वाला है अब वो किसी को भी दिल देने वाला हो लड़के को लड़की को दिल तो किसी को भी दिया जाता है तो तो यार दिल तो किसी को भी दिया था सही बात है ना प्यार तो प्यार ही होता है तो अगर जिद्दी है जायन और दिल नहीं देगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा तो ये एंटी डिप्रेशन है। मैंने एक लिंकेज का स्ट्रक्चर का तरीका बताया था हाइड्रोजीन टाइप का दिखाई देगा ओके okay? एंड एंटी डिप्रेशन है फिर अब केमिस्ट्री और मैथ के इक्वेशन अच्छा इतनी आसानी से जैसे यहां पर तो मैं ग्रुपिंग करके दिखा रहा हूं ना तोड़ करके अगर दिखाएंगे तो फिर भी हो जाएगा क्योंकि जब आप बार 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 रिपीट करते हो ना तो माइंड में बैठने लगता है वो उसकी इमेज बैठने लगती है और अभी आपको दिखेगा थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि सब कैच होने लगेगा ये ये दोनों किसमें माइल्ड है और ये क्या है ये और के साथ साथ जो एंटी डिप्रेशन दोनों है दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक है इक्वन में ओके यहां तक हम पहुंच चुके हैं अब ज्यादा कुछ है भी नहीं ओके नेक्स्ट देखिएगा हम नीचे आए अब स्पेशली ये जो हमने अभी पढ़ा था वो कौन सी कैटेगरी चल रही थी ट्रैंक्लाइजर एंटी डिप्रेशन की बात आएगी टेंशन रिलीज करने की बात आएगी हिप्नोटिक ड्रग की बात आएगी सब ट्रैंक्लाइजर है सब आपको आह प्यारी प्यारी नींद दे देते हैं आपको टेंशन से रिलीज करते हैं और कुछ तो हिप्नोटाइज कर देते हैं अच्छा हिप्नोटाइज करना एक सीरियस बात है ना हिप्नोटाइज करने वाली बात तो बड़ी सीरियस बात है मजाक की बात नहीं है वेरी वेरी सीरियस बात है हिप्नोटिज्म और ये हमारा कोड भी है वी वी एस ये वेरी वेरी सीरियस जो हमारा कोड है किसके लिए हिप्नोटिक ड्रग्स के लिए और वेरी वेरी सीरियस क्यों बोल रहे थे क्योंकि देखिए वेरी वेरोनल वेरी वेरोनल वैलियम सीरियस जरा सोचिए तो परफेक्ट नहीं लगा क्या आपको वेरी वेरी सीरियस वेरी वेरी सीरियस

सेरोटोनिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और जरा कंपेयर कर लीजिए नाइट्रोजन का नंबर देखिए तो हर जगह दो दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं हर जगह दो दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं बस सेरोटोनिन अलग इसलिए है कि सेरोटोनिन में ना दोनों नाइट्रोजन रिंग के अंदर नहीं होता है एक नाइट्रोजन बाहर होता है ये सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर है जो कि अलग होता है तो ये वेरी वेरी सीरियस जो है ये हमारा ये हिप्नोटिक ड्रग्स के लिए स्पेशली हमने ये यूज करना है अब आता एनलिक्स पर एनल क्या है रिड्यूस और एबोलिश पेन विदाउट काउजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब गायब कर देते हैं आपको उतना कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा पता भी नहीं चलेगा और यह पेन वगैरह गायब कर देंगे इनमें सबसे पहला जो एनलजेसिक है वह है नॉन नार्कोटिक दैट इज एस्परिन एस्प्रीन पता हमने कहां बनाया था एस्प्रीन हमने एनस में देखा है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अब ये जो एस्प्रीन है ये इसके बारे में बताया गया इनिबिट्स सिंथेसिस ऑफ केमिकल नॉन एस प्रोस प्रोस्टाग्लैंड के बारे में एनसीआर ने लिखा हुआ एंटी इन्फ्लेमेटरी एनलजेसिक है तो एनलजेसिक तो है ही है है ना ये जो पेन वगैरह जो है वो गायब कर देते हैं बिना आपको ज्यादा सेंस दिए हुए ये सब एनलजेसिक्स है और दो कैटेगरी होती है दूसरी कैटेगरी आपको बहुत पसंद आएगी पता है मुझको लेकिन पहली कैटेगरी में जो नॉन नार्कोटिक है उसमें एस्पिरिन है जो कि एंटी इनफ्लेमेटरी होता है और एंटीपायरेटिक भी होता है टेम्परेचर वगैरह भी कम कर देता है बॉडी का एंटीपायरेटिक का ये मतलब होता है नारकोटिक एनलजेसिक वो तो आप देख के पहचान जाओ मतलब नार्कोटिक एनलजेसिक का नाम आप कैसे भूल सकते हो देखिए फेवरेट हीरोइन मॉर्फिन है ना और सबके नाम मिलते जुलते आपको पता है अक्सर जो कैटेगरी होती है ना मिलते जुलते होता है फिजिक्स ओपी वाला उज्वल ब्लॉक करना तो जो फिजिक्स ओपी बोल रहे ब्लॉक कर दो उनको जो फिजिक्स ओपी बोल रहे मॉर्फिन हीरोइन और कोडिन तुम तो कोडिन के जगह पे कोकीन सुनना चाह रहे होगे लेकिन नहीं कोडिन है यहां पर और सब में देख लो ब्रिज हेड स्ट्रक्चर है तो तुम पहचान जाओगे ना ब्रिज हेड स्ट्रक्चर से ब्रिज हेड स्ट्रक्चर तो, कितने काम के हैं जो इलेवंथ में तो पढ़ा था ब्रिज हेड स्ट्रक्चर कितने काम के हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स के स्ट्रक्चर में ब्रिज हेड स्ट्रक्चर आता है और चार रिंग्स होती है और चार रिंग्स में से एक रिंग में हमेशा ऑक्सीजन होता है दिख रहा है चार रिंग्स में से तीन रिंग जो है वो एक रिंग जो है जिसमें ऑक्सीजन दिखाई देगा फ्यूरान टाइप की रिंग होती है बाकी सारी सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है दिख रहा होगा और ब्रिज हेड होता है डन है चलो यार वापस आते हैं आपका टेस्ट हो जाए फटाफट टेस्ट हो जाए जल्दी बताओ टेस्ट दो टेस्ट दो जल्दी और इसके बाद रिवाइज मत करना बस मेरे साथ जो काम कर रहा हो अगर कल एग्जाम है तो है ना वैसे तो कल एग्जाम है तो सो जाना चाहिए था तुमको बट अब क्या करते यार अपने पास टाइम नहीं था बहुत मुसीबत थी बट कोई नहीं फोर्थ अटेम्प्ट के लिए ना हम ये सब सेशन जो मैं ये सब सेशन पहले से फोड़ करके कर रखूंगा टेंशन मत लेना फोर्थ अटेम्प्ट के लिए ये सेशन दो बार फोड़ेंगे एक तो स्टार्टिंग के वीक्स में फोड़ देंगे और एक एंड के वीक में फोड़ देंगे बीच के वीक में जो है वो पूछ लेंगे आपसे आ जाएंगे पूछताछ कर लेंगे पूछताछ सेशन रख लेंगे यार चलो बताओ मुझको कौन सी कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में सही सही लिखो तो सबको ब्लॉक कर देंगे जो गलत आंसर देगा सब ब्लॉक हो जाएंगे सब ब्लॉक हो जाएंगे एनसीबी रेड हाँ एनसीबी रेड वाले को ब्लॉक करना, करना तो उज्जवल ब्रो हा एनसीबी रेड वाले को ब्लॉक करना तो एनसीबी रेड वाले अभी रेड दी जाती है ये कौन सी कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी है एंटासिड है सही है तुम लोग तो रट गए अब तो स्ट्रक्चर देख करके तुमको समझ में आ रहा होगा अरे सीमा दीदी सीमा दीदी रानी दीदी अब पहचानिए तो देखिए भाई और दोस्त आ गए अभी तक तो भाई और दोस्त का एस का मतलब समझ में आ गया होगा सेल्डन और टर टर नाम से एक ही पढ़ा है आपने अभी तक वो टर यहां पर है ये क्या है ये एंटी हिस्टामाइन है तुम लोग लगे हुए अभी तक एंटासिड एंटासिड में बेशरम सब बड़ो आगे एंटी हिस्टामाइन है आगे अब ये कौन सा है कौन सी कैटेगरी आ गई ये कौन सी कैटेगरी है जिद्दी है दिल नहीं देगा ये कौन सी कैटेगरी है जिद्दी है दिल नहीं देगा तो डिप्रेशन हो जाएगा डिप्रेशन से बचने के लिए क्या चाहिए केमिस्ट्री है. है। और मैथ का इक्वेशन टेंशन से फ्री रखते हैं फिजिक्स को रोस्ट कर दो केमिस्ट्री और मैथ के इक्वेशन टेंशन फ्री रखते हैं केमिस्ट्री और मैथ के इक्वेशन टेंशन फ्री रखते हैं मतलब अच्छा भैया मतलब के टेंशन फ्री करना है और ये दोनों माइल्ड केमिस्ट्री और मैथ वाले माइल्ड टेंशन को खत्म करने के लिए है। बड़ा टेंशन अगर खत्म करना टेंशन तो बात आ गई वेरी वेरी सीरियस की ट्रेंकुलाइजर का वो पार्ट जो हिप्नोटिक ड्रग होता है <laughs> तो के रूप में अगर काम आएंगे तो कौन है वेरी वेरी सीरियस वाले और स्ट्रक्चरल डिफरेंस मैंने बताया था कि सेरोटोनिन सिर्फ ऐसा है वेरी वेरी सीरियस में जो जिसके अंदर दोनों नाइट्रोजन रिंग में नहीं होता है, एक नाइट्रोजन बाहर होता है और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना बस वैसे करना दोस्त फालतू में टाइम वेस्ट मत करना इतने से क्वेश्चन बन जाएंगे अपने आप ठीक है तो ये हो गया ट्रैंकुलाइजर पार्ट डन आगे आइए ये कौन सा पार्ट है भाई मैंने एस्पिरिन नहीं दिखाया पता है वो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है यह एनलजेसिक है कैसे पहचानते हैं एनाल्जेसिक को ब्रिजेड स्ट्रक्चर से पहचानते हैं चार रिंग्स होती हैं एक फाइव मेंबर रिंग में ऑक्सीजन होता है और सबके नाम में आइन आइन सबके नाम मिलते जुलते हैं हीरोइन मॉर्फिन कोडिन कोकीन है ना तो ये एनल जेसी के जो के नारकोटिक एनल जेसी के फेवरेट है आपके अब देखिए जरा ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को अब मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाना है पहले यहां दिखाना है इन सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो क्या कॉमन है इन सब क्या कॉमन है देखो एक बात कॉमन दिखाई दे रही है ये सल्फोनिक पार्ट है यहां भी सल्फोनिक पार्ट है यहां भी सल्फोनिक पार्ट है इनफैक्ट प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं दिख रहा है मतलब एस डबल सल्फोनाड के साथ एन जैसे अमाइड होता है कार्बन वाला उसमें सी डबल बॉन्डो के साथ एन होता है ये एस डबल बॉन्ड ओ के साथ एन है तो एस डबल बॉन्ड ओ के साथ एन अच्छा ये सेशन वैसे दस मिनट में खत्म हो सकता था मैं चूंकि बार 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 रिपीट कर रहा हूं कि आपको मेरे साथ साथ ही याद हो जाए और कल भी यूज हो जाए अगर किसी को एग्जाम देना है तो वैसे तो ट्वेंटी सेवेंथ के लिए मेनली है ये बट दोस्त किसी का कल भी ये देख रहे हो तो मेरे साथ ही साथ करो एक्स्ट्रा मत करना फिर ठीक है ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ना इसमें कॉमन बात क्या थी ये जो सेलवर्सन है सेलवर्सन बोलने से लग रहा है ना अरे बार बार ऐसा रहा है इसी का खेल है सेलवर्सन में देखना बॉन्ड किसके बीच में आर्सेनिक के बीच में ठीक है अब देखना ये, ये कौन सी कैटेगरी में ये भी दिखाएंगे बट अब पहले ये देख लो आप तो ये जो स्पेशीज है आर्सेनिक आर्सेनिक का बॉन्ड है बट यहां पे सल्फोनामाइड है सल्फोनामाइड है और सल्फोनामाइड है इसे तो छोड़ दो ये तो एजो डाई है इसको तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है इसको गलती से ना इस कैटेगरी का मत मानना इसको तो बस सिमिलैरिटी दिखाने के लिए दिखाया गया एजो एन डबल बॉन्ड एन को हम बोलते हैं एजो एन ट्रिपल बॉन्ड एन वाले को डाया एजो बोलते हैं सो दिस इज एजो ग्रुप और एजो ग्रुप यहां पर और एजो ग्रुप से ही जुड़ता हुआ सैलवर्सन में भी बॉन्ड होता है मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं स्ट्रक्चर तो पूरा रटना नहीं है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट जो ये जो आप देख रहे हो ना ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट का जो ये जो ये जो ये सेक्शन है इसी से आपका ऑप्शन में कैच हो जाता है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है कौन सी कैटेगरी का है इतना ही पूछा जाता है आपसे तो यार वापस चलते हैं अब आपको दिखाते हैं कि ये थे कहां पर ये हमारा कौन सा सेक्शन ये कौन से स्पेशज है ये स्पेशज है एनल के नॉन नार्कोटिक है या नार्कोटिकली नार्कोटिक है, है ना एनसीबी वाले को ब्लॉक कर दिया था ना उज्ज्वल थैंक यू अब में आ रहे हैं मतलब एंटीबायोटिक्स पढ़ने होंगे तो एंटीबायोटिक्स में देखिए कौन कौन आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने वाले एंटीबायोटिक्स जरा देखिएगा एंटीबायोटिक्स में ही आते हैं वगैरह दिख रहा है अभी आपको जो मैं दिखा रहा था वो क्या थे वो यही एंटीबायोटिक्स थे अब एंटीबायोटिक्स में ये जो एंटीबायोटिक्स आप पढ़ रहे हैं ना देखिए मेन एंटीबायोटिक्स आपके कौन कौन है ये तीन है सलवर्सन प्रोन्टोसिल और सल्फा सल्फापाइरिडीन ये तीन सुनिए इन सब में आपको दिख रहा है ना नाम है एस से सल्फर आ रहा है या आर्सेनिक आ रहा है या सल्फोनामाइड आ रहा है नाम से ही आ रहा है या फिर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है तो सल्फोनामाइड आ जाए आर्सेनिक के बॉन्ड आ जाए सब एंटीबायोटिक है और ये पुराने जमाने के एंटीबायोटिक है जो शुरू शुरू में ढूंढे गए एंटीबायोटिक्स है ना ये वो एंटीबायोटिक्स है तो मैं अगर पूछूंगा एक एक है, है।, है लेकिन अच्छी बात क्या है मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे याद रखिए और इसको मत याद रखिएगा कि ये ड्रग है इस प्रॉन्टोसिल का जो ये पार्ट है ना हाइड्रोलिसिस के बाद ये प्रोड्यूस करता है तो ये कोई ड्रग नहीं है एक्चुअली ये जो प्रोंटोसिल है इस प्रोंटोसिल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखाया गया यहां पर कि प्रोंटोसिल में आखिर कौन सा पार्ट है यही बात एनसीआरटी ने लिखी हुई भी, भी है वही मैं आपको बता दे रहा हूं प्रोंटोसिल में आखिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक्चुअली ड्रग को एक्टिवेट करता है वो यही पार्ट है इसी पार्ट को बाहर निकाल करके हाइड्रोलाइज करके दिखाया गया है ठीक है तो सच्चाई में इस पूरे स्लाइड पर इस पूरे पेज पर एनसीआरटी के तीन एंटीबायोटिक्स बताया गया है सल्वरसन प्रोंटोसिल और सल्फा जहां जहां सल्फर ज्यादा दिखाई दे जहां जहां पर सल्फर से जुड़ा हुआ नाम आ जाए स्ट्रक्चर में आ जाए आर्सेनिक आर्सेनिक डबल बॉन्ड आ जाए समझ जाना भैया एंटीबायोटिक और ये शुरू शुरू के जमाने के एंटीबायोटिक हैं। लेकिन एक्चुअली एंटीबायोटिक के जो रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुए जब एंटीबायोटिक खोजा गया जब एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी काम हुआ वो तब हुआ जबकि ये सारे के सारे यहां पर ना पूरा इतिहास बताया हुआ है कि किस तरह से Uh, पुराने जमाने में एंटीबायोटिक्स ढूंढे गए फिर रिवॉल्यूशन आया और अब फाइनली हम जब एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरी होता है आज के टाइम पर आज के टाइम पर बट आपको एनसीआरटी में दोनों चीजें याद रखनी है जो ऐतिहासिक एंटीबायोटिक है जो अभी मैं पढ़ा अभी अभी आपके सामने नाम ले रहा था प्रोंटोसिल सल्फा था ना ये सब क्या ऐतिहासिक मतलब स्टार्टिंग में ढूंढे गए थे और अब जो हमारे पास है एंटीबायोटिक्स उनकी दो कैटेगरी है बैक्ट्रीसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्ट्रीसाइडल मतलब वो एंटीबायोटिक जो जड़ से खत्म कर देगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरा है जड़ से नहीं खत्म करेगा बट उसको एक तरह से निष्क्रिय कर देगा बट जड़ से नहीं खत्म करेगा ये जड़ से खत्म करेगा ये मार देगा और ये जो उसको बेहोश कर देगा इतना कि वो बाद में जागेगा तो जागेगा और नहीं तो खत्म हो जाएगा तो ये क्या है ये रिलेटिवली माइल्ड है और ये क्या पावरफुल है आप में से कई सारे लोगों ने जो है वो चश्मीस होंगे आप लोग मैं भी चश्मीस हूं तो यार आंखों में ना हम आ, 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 आई ड्रॉप्स लेते हैं तो कभी आई ड्रॉप्स का कौ, आपने कंपोजिशन देखा है ऑफ लॉक्स द सीन होता है उसमें देखा है कभी पेनिसिलिन तो जानते ही होंगे आप सारे यहां पे जानने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका शॉर्टकट भी है देखिए पहले इनका शॉर्टकट सुन लीजिए पी ए ओ पाओ पाव के साथ क्या अच्छा लगता है भाजी पाव भाजी पाव भाजी ये जो भाजी है ना भाजी में कुछ भी हो सकता है कुछ भी का मतलब ईटीसी ईटीसी का मतलब और और टेट्रासाइक्लिन भैया इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरम फेनिकोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इरिथ्रोमाइसिन इसलिए क्योंकि गले के लिए देखो मेरा गला फंस रहा है इरिथ्रोमाइसिन बहुत फायदा पहुंचाएगा इवन अभी कोविड के टाइम में भी कई सारे लोगों ने जो इरिथ्रोमाइसिन हाई पावर का लिया था तो ये ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट और ये पूछा भी जा चुका है समझ रहे तो ईटीसी मैं जब तो कुछ ना कुछ तो लिंक चाहिए याद रखने को आप कोई गाना बना लो या चूंकि मैं इस तरीके को बार बार रिपीट करूंगा गाना बना थोड़ा बच्चे बनाते हैं हम कुछ क्या करते हैं हम कुछ मजा वाला बना लेते हैं हम कुछ ऐसा बना लेते हैं जो कि यू नो दैट के डिसेंट you know, uh, हो लेकिन फिर भी हल्का सा वैसा हो के याद रखने का कोई बहाना मिल जाए है ना तो वैसे आप तो कुछ भी बना सकते हो लोग तो कुछ भी वलकर भी बना लेते हैं कि याद रह जाए क्योंकि ह्यूमन नेचर है चीजें जो रहती हैं वैसी वाने के टाइप से कुछ याद हो जाता है तो पाव भाजी जो है हमारा <laughs> पाव ईटीसी इसमें पाव में पी जो है वो पेनिसिलिन है और ए जो है वो दिख रहा होगा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स दिख रहे हैं और जो है मैंने बताया कि वो ईयर ड्रॉप्स में आई ड्रॉप्स में होता भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तो ये जो सेक्शन है ना ये पूरा चल रहा है एंटीबायोटिक का और ये नए सेक्शन है इसमें यहां पर एन ने पेनिसिलिन डाला हुआ पेनिसिलिन और ऑफ्लॉक्सिन इंपॉर्टेंट इनफैक्ट इस सेक्शन में पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर भी एन ने नीचे में दिखाया हुआ है आप देख रहे होंगे पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर सबसे यूनिक स्ट्रक्चर है अभी तक हमने जितने स्ट्रक्चर देखे ना इसमें सबसे यूनिक माना जाएगा क्योंकि भैया इसमें अमाइड भी है

वो होते हैं एंटीसेप्टिक्स अब जरा देखना एंटीसेप्टिक्स नीचे होंगे दिख जाएंगे ये देखिए ये एंटीसेप्टिक्स और यहां पर हमारा सेक्शन खत्म होता है बधाइयो आपको एंटीसेप्टिक्स दिखा ये एंटीसेप्टिक्स है और सारे एंटीसेप्टिक्स में क्लोरोजाइलिनॉल ऑल 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 सब में अल्कोहल भरा पड़ा हुआ सब एंटीसेप्टिक है तो यार ऑल वाले तो होते हैं एंटीसेप्टिक लेकिन क्लोरम फेनिकॉल वो एंटीबायोटिक है ध्यान में रखना ये जो क्लोरम फेनिकॉल होगा वो एंटीबायोटिक है और कैसा एंटीबायोटिक है बैक्टीरियो है ये कैसे याद रखेंगे हम बड़ा आसान है अगर क्लोरम फेनिकॉल है तो पाव भाजी के पाव में तो नहीं आया ना और पाव भाजी के पाव में नहीं आया तो पाव वाले क्या थे पाव वाले थे एक्चुअली वाट वो क्या थे वो बैक्टी बैक्टीरिय साइडल थे थोड़ा सा इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो सकती है समझे <laughs> बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं ना बैक्टीरिसाइडल बैक्टिर... वाह क्या बात है मतलब <laughs> तो यार अगर मान लो कि, कि साइडल है और उसका पाओ मुझको याद है पी ओ पेनिसिलिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स और ओ से क्या ऑफ्लॉग्जसिन जो बार बार बोल रहा हूं आंखों में कान में डालने वाले जो ड्रॉप्स आते हैं उसमें होता है ऑफ्लॉक्सिन तो पाव में तो नहीं आया ना क्लोरम तो बैक्टीरिय स्टैटिक होगा साथ साथ मैंने बताया कर यार एक और था मतलब पाव के साथ अगर ईटीसी याद रह जाए पाव भाजी भाजी में कुछ भी मिला दो ईटीसी ईटीसी कुछ भी मिला दो बस याद रह जाएगा अच्छा था ये टी वाला शायद ना याद रहे ना टेट्रासाइक्लिन लेकिन आप एक बात और देख रहे हो एक बात और देखना एक और ऑब्जर्वेशन हम यहां पर रखते हैं हमेशा पेनिसिलिन नाम देखो सिन सिन फिर इरिथ्रोमाइसिन ये सिन सिन सिलिन सिलिन सिन, सिन, सिलिन, सिलिन वाले जो हैं वो यहीं आ रहे हैं एंटीबायोटिक में ही आ रहे हैं हर जगह नाम का पैटर्न है दोस्त रिपीटेशन नहीं है हर जगह हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन है जैसे कि ऑल वाला मैंने बताया जनरली क्या पर एंटीसेप्टिक होते हैं जो यहां पर दिख रहा है हम यहां पर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स ठीक है तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स वाला जो सेक्शन है उसमें दिख रहा है सारे स्पेसीज जो है ऑलमोस्ट एरोमेटिक है टर्पिनॉल को छोड़ करके ठीक है और ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर एक ही फैमिली के स्पेसिज हैं लेकिन ज्यादातर एरोमेटिक है और एक एरोमेटिक नहीं है तो समझिए जो एरोमेटिक नहीं है वही पूछ पूछ दिया जाएगा तो <laughs> ठीक है ये स्पेशीज है यहां पर और बाकी साथ साथ आप पढ़ सकते हो डिस का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है बट ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है ये पूछे गए थे लास्ट टाइम मार्च वाले एग्जाम से तो यार एंटी फर्टिलिटी फर्टिलिटी ड्रग्स को आप कैसे याद रखेंगे स्ट्रक्चर वाइज याद रखेंगे के स्ट्रक्चर में क्या होता है ये के है। चार होती है। नहीं याद रखना आपको के बारे में, पता होगा थोड़ा आपने पढ़ा होगा मेल फीमेल जो हॉर्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन पता है ना तो इनके नाम को देखो प्रोजेस्टेरोन बेसिकली आप यहां पर पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि एक्चुअली जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है ना

इस साइड यहां पर मतलब से ड्राइव करके इसको बनाया गया है और इसमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे पूछा गया था पिछले बार वैसे नॉर्थ इन ड्रॉन के ही पैटर्न पर नोवेस्ट्रॉल भी है हालांकि नोवेस्ट्रॉल जो है वो डिफरेंट है आपको दिख रहा होगा किस वजह से डिफरेंट है क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं लेकिन नॉर्थ इन में जो सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है अब ये सब बात छोड़ो अब चलो रिविजन पर रिवीजन से चीजें याद हो जाएंगे बस इतना करना बाकी सब बाद में करेंगे के लिए करना, फिर अभी इतना काफी होगा चलो तुम्हारे सामने जो कैटेगरी रखी गई उसका नाम दो अब मैं चुपचाप बैठ रहा हूं मैं देख रहा हूं कि तुम क्या नाम लिख रहे हो क्या नाम नहीं लिख रहे हो सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये याद है एस वाले एस वाले एस वाले, वाले प्रोसी वगैरह ये कौन सी कैटेगरी के हैं भाई है क्या ये ये कौन सी कैटेगरी के आ गए याद आ रहा है कुछ नहीं याद आया चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए तो एंटीबायोटिक सही है लेकिन ये पुराने जमाने के एंटीबायोटिक और यहां पर तीन एंटीबायोटिक है ये एंटीबायोटिक नहीं है ये तो इससे स्ट्रक्चर मैच कराया गया है और इसको हाइड्रोलाइज करके ये बनता है इस इस में ये जो आपको दिखाया गया है ओ भैया 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 पीछे ही भागोगे आगे नहीं भागोगे क्या अरे आगे चले जाओ हाँ ये जो स्पेशज है सल्फालाइड वो इसकी हाइड्रोलिस बना है इसका कोई एक्टिवेट इसका सबसे एक्टिवेटिंग पार्ट जो होता है वो सल्फा नीलामाइड ही होता है दीज तो आर पुराने जमाने का एंटीबायोटिक नए जमाने का एंटीबायोटिक कौन सा होगा पेनिसलिन पाओभाजी पाओ वाले, वाले साइड से और ये ईटीसी वाले साइड से क्लोरम फेनिकोल बहुत ज्यादा अपने आप में अजीब स्ट्रक्चर वाला स्पेशीज है ये एक ऐसा स्पेशीज है जिसमें कि अल्कोहल भी आता है नाइट्रो भी आता है और आप देख रहे हो अमाइड भी आता है और वो भी दो क्लोरीन के साथ आता है ये पूछा जा सकता है कि क्लोरम फेनिकोल में कितने क्लोरीन होते हैं ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है ओ एच कितने आते हैं लेकिन मोस्टली हमें पता चल जाता है क्लोरम फेनिकॉल में दो क्लोरीन है पूरी बातें आपको नहीं याद हो तो उससे परेशान नहीं होना है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नाम स्ट्रक्चर और जो कैटेगरी है उसको पकड़ लो मैक्सिमम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आ जाएंगे तो यह पेनिस्लिन क्लोरमफेनिकोल नए जमाने का जो एंटीबायोटिक है और उसमें भी ये वाला जो है वो बैक्टीरिसाइडल है बैक्टीरिसाइडल है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक है ओके हा ये क्लोरोजाइलिनॉल टर्पिनोल बायथायोनॉल ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक है।, है ना और अयो यस ये ठहर गए नॉर्थ और नोवेस्ट्रॉल ये किस कैटेगरी में आ गए ये सब एंटी फर्टिलिटी है वापस चल रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं स्टार्टिंग से और फिनिश करेंगे इसको स्टार्ट कर रहे हैं देखिए

और हिस्टामाइन की वजह से बड़ी बड़े इश्यूज होते हैं है ना एसिडिटी वगैरह तो आती ही है बट मसल वगैरह में भी इश्यूज आते हैं तो ये भाई दोस्त वाला है अब भाई दोस्त वाला है तो लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि नाम क्या था थोड़ा नाम को रिपीट करते रहना जब जब सामने आए ठीक है आ, नाम एक बार आपको वापस दिखाएं तो ये नाम था आपका पहचान तो जाएंगे अब मैंने बताया था स्ट्रक्चर में के दो ग्रुप्स होते हैं दो रिंग्स होते हैं बेंजीन के और दोस्त वाले में तीन होते हैं दोस्त वाले का जो एस है वो सेल्डन है और जो टी है उससे बनता है ओके okay? तो यार ये दोनों रिलेट करो बार बार टर नाम एक ही जगह आया था सेल नाम एक ही जगह आया था उसका कोड मैंने बताया था ब्रो कोड <laughs> ये जिद्दी एजाइन दिल नहीं देगा कहीं पर नारदिल आ गया तो भैया नारदिल तो एक ही जगह आया था नारदिल दिल नहीं देने वाला अच्छा क्लास में बोला था हमने कि जो नार दिल है दिल नहीं देगा मतलब भैया ये जो है ना ड्रग ये डिप्रेशन दिल नहीं देने का मामला हो जाए दिल नहीं देने का मामला हो जाए तो डिप्रेशन ही आएगा ना तो ये वो ड्रग से जो एंटी डिप्रेशन है ओके चलिए नेक्स्ट भैया नेक्स्ट क्लोरोडाइजिपॉक्साइड मेप्रोबामेट इक्वानिल

है ना टर्फिनाडाइन और सेल्डन एक ही चीज थे तो ये वेरी वेरी सीरियस जो है ये हिप्नोटिक है और हिप्नोटिक वाले स्ट्रक्चर के बारे में मैंने क्या बताया था कि हर जगह हर जगह रिंग के अंदर एक ही रिंग के अंदर जो दो नाइट्रोजन होगा लेकिन जो सेरोटोनिन होता है उसमें एक नाइट्रोजन बाहर होता है एक रिंग के अंदर होता है है ना ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस है ये ब्रिजेड वाले चार रिंग्स वाले कौन से स्पेशीज होते हैं चार रिंग्स वाले ना एंटी फर्टिलिटी भी होते हैं चार रिंग्स वाले ये नार्कोटिक एनलजेसिक भी होते हैं लेकिन जो चार रिंग्स होते हैं एंटी फर्टिलिटी वाले में नॉर्थ और नोवेस्ट्रॉल वाले में साइक्लोहेक्सेन के होते हैं यहां तो बेंजीन रिंग्स होती हैं और साइक्लोहेक्सेन भी है नो no डाउट बट बेंजीन रिंग यहां पर दिख रही है वो एंटी फर्टिलिटी में नहीं दिखती है ठीक है ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस है और बाकी मॉर्फिन हेरोइन कोकीन ये सब तो आप पहचान गए तो एनलजेसिक अच्छा अब ये आ गए अब ये तो आप बताओ मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा या पर आप बताओ ये आप बता रहे हो ठीक है अब स्लाइड को रैंडमली चेंज करेंगे रैंडमली चेंज करके आपको थोड़ा सा तंग करेंगे आप तो ऊपर से नीचे तक देख देख करके ना आप पहचान हो क्या आएगा? नहीं अब 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 कैच करो ये कौन सा है ये कौन सा है, नहीं होते। ये है कौन सा बर्ड एंटीबायोटिक पुराने जमाने वाला एंटीबायोटिक पहली बार शुरू में जो ढूंढे गए थे शुरू में जो ढूंढे गए थे वो ये थे सैलवरसन प्रोन्टोसिल और सल्फापायरेडीन सल्वरसन प्रोटोसिल और सल्फापायरेडीम जहां जहां पर देखो अगर मैं तुमसे पूछू कौन सा ऐसा ड्रग है ड्रग की कौन सी कैटेगरी है जिसमें आया, आया है कौन सा ऐसा ड्रग था जहां पे तुमने एन डबल बॉन्ड एन देखा है कौन से ऐसे ड्रग में देखा था एंटीबायोटिक में और वो भी किस में अरे ये वाले में सलवरसन प्रोटोसिल प्रोटोसिल में हमने पाया था एन डबल बॉन्ड एन प्रोटोसिल तो प्रोटोसिल में एन डबल बॉन्ड एन है और सल्फोनामाइट बॉन्ड है एसो टू एन एच टू और यहां पर भी एस डबल बॉन्ड बॉन्डो एनएच है सल्फोनामाइट बॉन्ड सल्फा पायरेडीन जहां जाएगा वो एंटीबायोटिक होगा जहां आर्सेनिक आर्सेनिक बॉन्ड आएगा वो भी एंटीबायोटिक होगा बट पुराने जमाने वाले नए जमाने वाले जो एंटीबायोटिक वो पाव क्या था? अमीनो और फिर पाव का ओ क्या था सारे के सारे बैक्टीरियोल है एक बार में खत्म कर देंगे मार ही देंगे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और क्लोरम फेनिकोल किस कैटेगरी में आएगा क्लोरम फेनिकॉल दो क्लोरीन होता भैया दो ओ OH होता है भैया एक नाइट्रो होता है खतरनाक अलग तरह का ड्रग है भैया वाला ड्रग है।, नाइट्रो है। ETC में टी को? कम कम e को भूल भी जाओ टेट्रासाइक्लिन को भूल भी जाओ तो इरिथ्रोमाइसिन तो याद रखना मैंने यह भी बताया था कि जो एंटीबायोटिक नए जमाने वाले सिंह सिन, साइक्लिन साइकिल नए सब कुछ आता है ठीक है चलो यार नेक्स्ट ये कौन सी कैटेगरी है जहां जहां ऑल 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 देखोगे समझ जाना है कि सब एंटीसेप्टिक्स है ये एंटीसेप्टिक्स है और एंटीसेप्टिक्स में ऑल वाले में बस है जो एंटीबायोटिक में काम आता है 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 ना डन है भाई और ये अपना नॉर्थ इंड्रॉन और नोवेस्ट्रॉल है एंटी फर्टिलिटी इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा दोस्त अगर नहीं भी होता है तो दिल छोटा मत करना मैं और तुम साथ है फोर्थ अटेम्प्ट के लिए ठीक है

कई सारे एक एक बात आप एग्री कीजिएगा उस बात को सुन भी लीजिए देखिए दुनिया वाले हो सकता है कि आपको ये कहते होंगे मैंने तो हजारों लोगों को कहते हुए सुना है लेकिन मेरी सोच और मेरी बिलीफ अलग है मैंने हजारों लोगों को कहते हुए सुना है कि स्टूडेंट वो होते हैं जो एग्जाम से ना पहले पढ़ करके तैयारी करके रखते हैं सुन रहे हैं आप बड़े बड़ा सीरियस मैसेज है और इससे खुद को चिल कीजिएगा क्योंकि मैसेज बहुत ही बहुत ही प्यारा सा मैसेज है जो बातें मैं बोल रहा हूं दुनिया वाले ये कहते हैं कि यार जो अच्छा पढ़ाई करते हैं ना वो एग्जाम से पहले तैयार रहते हैं दुनिया वाले को कौन समझाए जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ना उससे आप इंजीनियर बनने वाले हैं और इंजीनियर एक रात पहले ही पढ़ते हैं है <laughs> ना देखो आप अभी जेई के लिए चाहे कितनी भी पहले प्रिपरेशन कर लो कॉलेज में सबका हाल एक ही होता है हम सब जो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं तो फर्क क्या पड़ता है दुनिया वाले वैसे ही पागल होते हैं आपको पता है आप अभी भी देख रहे हो ना अठारह डिसलाइक आपको दिख रहे हैं सोलह सौ सो लोगों ने लाइक किया हुआ अठारह लोगों ने डिसलाइक किया हुआ ये अठारह लोग कौन है ये इंसान ही नहीं है ये इंसान के नाम पर कलंक नहीं है कलंक के नाम पर इंसान है मतलब यहां पूजा हो रही है सरस्वती पूजा हो रही है लेकिन लोग जो है वो डिसलाइक करके जा रहे हैं समझते हैं आप ये सब सोच करके देखिए हम खड़े हुए किस वजह से आपके प्यार की वजह से और दुनिया बोलती है कि बच्चे वो होते हैं स्टूडेंट तो वो होते जो पहले से पढ़ करके रहते हैं मेरा कहना है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पहले तो हम इंजीनियर बनने वाले हैं और हम खुद आगे आगे के चार साल जो है सारे लोग ऐसे बिताने वाले हैं हम सब ने ऐसे बिताया है कोई कितना बड़ा भी अच्छा मैं आईटी बॉम्बे आई टी बॉम्बे 2018 में बच्चों ने पार्टी रखी थी मैं गया था कभी उसके किस्से सुनाऊंगा आप कभी सोच नहीं सकते कि अपने जो अंडर हंड्रेड रैंक वाले थे इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंक इंक्लूडिंग सर्वेश इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंक भाई वहां जो बॉम्बे में जो धमाल मचाया था लोगों ने आप यकीन नहीं कर सकते और, और जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो ऐसे ऐसी हरकते करते हैं सबकी लाइफ है भाई सब जीना चाहते हैं सब जीते हैं और कॉलेज में आकर के सब एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं जो डेड लाइन होती है उसी के पास में जाकर के सारा असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो दुनिया वाले जब बोले ना आपको कि पहले से क्यों नहीं पढ़ा तो बस उनसे दूरी बना लीजिए कुछ बोलिए मत कोई अपशब्द मत बोलिए अपशब्द बोलने से अपना अपना ही बुरा होता है दूर हो जाइए हम इसलिए आकर के खड़े हुए हैं क्योंकि हमें पता है कोई पढ़े ना पढ़े किसी ने दिल से अगर दुआ अगर मुझे तुमसे दिल से दुआ चाहिए तो कोई भी सिचुएशन होगी मैं आकर के खड़ा रहूंगा मुझे बहुत रियलाइजेशन हो चुका है कि दुनिया में एक ही चीज है सबसे पावरफुल वो प्यार और दुआ है पैसे लगता है कि पैसे इंपॉर्टेंट है कुछ हद हाँ तक इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सबसे पावरफुल चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो प्यार और दुआ है। मुझे वही चाहिए तो इसलिए इसमें कमी मत क्या करो कमेंट सेक्शंस में भी अपने जो जब आप जाओ तो हमेशा पॉजिटिव बातें लिख करके जाओ प्यार हमेशा दे करके जाओ दुआ हमेशा दे करके जाओ।, कर जाओ अब पढ़ो हम ट्राई करेंगे कि सेम ड्रग्स के साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पॉलीमर बायो ट्वेंटी करने की कोशिश करेंगे स्लॉट रहा पक्का करेंगे नहीं तो फोर्थ अटेम्प्ट है हम तो फोड़ करके काम करेंगे बाय लव यू ऑल टेक केयर ध्यान रखो अपना कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या बोलते हैं बिंदास पढ़ाई करो साथ में हम खड़े हैं ठीक है देखो जिसने भी दुनिया की नहीं सुनी है ना और दिल की सुनी है बाद में दुनिया वालों ने उसी को कॉपी किया है उसी ने दुनिया बदली है 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 इसलिए बिंदास पढ़ते रहो पहले पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं फर्क फर्क ही क्या उसे? उसे क्या पड़ता पड़ता उससे उसे मुझे मुझे तो सारी जिंदगी कभी फर्क नहीं पड़ा मुझे बस एक बात दिखती है तुमको जरूरत है मैं खड़ा हो सकता हूं तो मैं आऊंगा मैं नहीं खड़ा हो सकता मैं नहीं आऊंगा मैं खड़ा हो सकता मैं आ सकता हूं मैं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए बाय लव यू ऑल टेक केयर